Yeah, we live now. Oh, yes, I can see. Hi, what's up? Good morning, everyone. क्या हाल है पापियो? क्या बोल रही है? आपको देखकर घड़ी सेट की मैंने. थैंक यू. 9:30 मतलब 9:30 हैज टू स्टार्ट. और क्या हाल है यार? अरे आई एम वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. एकदम मस्त. आप बताओ क्या हाल है यार? सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया क्या? मतलब पुणे स्टिल हैज़ वेरी मतलब मैं नहीं बोलूँगा दिस इज़ एक्सट्रीम, दिस इज़ स्टिल मॉडरेट, बट आई थिंक नॉर्थ आप देखते हो तो यूजली थोड़ा सा चिल रहता है. बट एनी वे आई थिंक योर कॉलेज हैज़ स्टार्टेड टू, राइट? सब तो आपको आदत हो गई होगी सुबह थोड़ा जल्दी उठने की. सो अब आदत हो या ना हो, एनी वे फॉर एग्जीक्यूटिव यूल हैव टू वेक अप एवरी डे अर्ली. और किस्मत से पता है बुरा पार्ट क्या है, पहला लेक्चर मेरा ही है और हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास. या बाकी क्या हाल है यार? क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट पावर लर्न विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो फील लाइक हैंड होल्ड एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच यार. आई मेक श्योर दैट सिक्योरिटीज को मैं और जितना प्रैक्टिकल बना सकूँ आप लोगों के लिए, आई टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू दैट, है ना? सो कंपनी लॉ स्टिल हैड सम रिजर्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रैक्टिकली टू द एक्सटेंट. जैसे इसमें एक आपको बहुत बड़ा एरिया कौन सा मिल जाता है टू प्ले अराउंड इज द ट्रेडिंग पार्ट. तो वो वाला मैं आपको जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल उसको करने की. यार मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना, मैं सुबह सुबह अभी लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था. आई कॉल्ड माई ब्रोकर ऑल्सो. मेरे को मेरा मतलब वो लॉग इन आई डी याद नहीं आ रहा था. पासवर्ड आई हैव इट बट आई डी मेरे को याद नहीं आ रहा था. आई जस्ट कॉल्ड हिम, मैंने बोला यार बस मेरे को भेज के रखना. सो आई जस्ट थॉट आज ही अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक दिन, एटलीस्ट आपको मैं फर्स्ट डे ट्रेड करके बताता हूँ कि हाउ डू यू बाय एंड सेल शेयर्स, है ना? बट लेट्स सी, अगर वो आ गया आज तो बेस्ट है, नहीं तो कल. तो एनी वे मैं आपको ट्रेडिंग वाला पार्ट बताऊँ. एक्चुअली मेरे फोन में वो आई थिंक कुछ छोटा वाला पासवर्ड लगता है ना, और छोटा वाला पासवर्ड क्या होता है, अरे वो पिन बन जाता है ना, तो वो फोन में तो हो जाता है यार, वो इसमें लैपटॉप में नहीं हो रहा था अनफॉर्चुनेटली. सो एनीवे कल अपन लोग करते रहे 18+. मैं ना झापड़ मार दूंगा तेरे को साले, मोटे फटेगा तू किसी दिन कार्तिक बदतमीज. कौन से 18+ जोक मारे साले जबरदस्ती, तुमने इतना पूरे भारत में बदनाम करके रखा ना मेरे को साला, घटिया आदमी. लर्निंग विद यू इज लाइक आई एम वर्किंग प्रैक्टिकली इन फर्म्स, आई एम कंपनी लॉ स्टूडेंट, माय एक्सपीरियंस बेस्ट. थैंक यू सो मच तेजस, थैंक्स वेरी मच. हाँ, ओ यस, हैप्पी न्यू ईयर. हाँ जी, चलो बाकी आई होप यू ऑल आर गुड. और अब मस्त तरीके से सिक्योरिटीज का शुभारंभ करते हैं, है ना? सूरज सर बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं इसलिए उसका सुन सुन के मेरे को याद हो गया. तो अब थोड़ा सा जरा मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डू, है ना? क्या अपना पूरा के पूरा मॉडल रहेगा, किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट में आगे चलने वाले. अच्छा बाय द वे बिफोर, मैंने नीचे देखा नहीं तुम लोगों ने और क्या क्या लिखा है. बहुत बदतमीज हो गए हैं सर हम लोग, सर अब हम बड़े भी हो गए हैं सर, तो अब थोड़े हमारे लेवल के जोक मारना. बाकी यहाँ से आई मस्ट से द केस यू गिव फॉर December 21 इज अमेजिंग. आई डिडंट गॉट अ चांस टू मैसेज और कॉन्टैक्ट यू आफ्टर द एग्जाम, सो हियर आई से दिस दैट मोन क्वेश्चन आर एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम योर केस बुक. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वेरी मच. आई मीन मोर यू नो इस बात की जरूर खुशी है कि केस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए, बट उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि इट हेल्प्ड द एंटायर स्टूडेंट्स फैमिली. दैट इज समथिंग विच रियली मैटर्स. और एग्जाम में अगर किसी भी चीज की वजह से यू नो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट है जिसकी वजह से अगर आपके 2 मार्क्स भी पड़ते हैं ना, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अस. सो वी फील रियली रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इनफैक्ट एग्जाम्स के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्स कभी भी स्टूडेंट की नहीं होती, एग्जाम्स इन दिनों ना टीचर्स की होती है, ऑफ हाउ वेल दे हैव टॉट. एंड आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू गॉड एंड ऑफकोर्स टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग केप्ट आवर ईगो ऑलवेज एट द टॉप. या थैंक यू सो मच. चलो भाई बाकी हैप्पी न्यू ईयर, आप जैन हो. हाँ बचपन से कभी चेंज ही नहीं हुआ पता है तेरे को. आप लाइव आओगे ना? हाँ अब तो रोज ही लाइव. यस मॉड्यूल 2 इजी है क्या मॉड्यूल 1 से? हाँ जी. अब थोड़ा सा हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. रिकॉर्डिंग स्टार्ट डेट आज से. सिक्योरिटीज में हर्षद मेहता केतन बारिक ना हो तो सेबी नॉलेज इज वेस्ट. फाइनेंस
फोर क्वेश्चन तो सेम चैप्टर दिए थे, नाम भी नहीं बदला। अच्छा साथ दिए थे। चलो दैट्स नाइस यार। इज इट टू राइट टाइम टू स्टार्ट विथ शेयर ट्रेडिंग सर? आई एम मच इंटरेस्टेड विद द सेम सर। मैं सबके बारे में बताता हूँ, डोंट वरी। अच्छा चलो, एक आई हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट बिफोर यू स्टार्ट, नो मैटर हाउ मच यू बीन लव्ड बाय द एंटायर स्टूडेंट्स फैमिली, डू नॉट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, परहैप्स बी रूटेड ऑलवेज, इज व्हाट आई हैव लर्नड ऑल इन ऑल दीज ईयर्स। सो टू ऑल दोज हु डू नॉट नो, माई नेम इज सी एस विकास वोरा, अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट। इट्स बिन मोर देन अ डेकेड नाउ, आई कैन वेरी प्राउडली एंड प्रोफाउंडली से दैट मोर देन अ डेकेड। सो आई थिंक 12 साल हो गए सिंस आई हैव बिन ऑन द ट्रेनिंग साइड, मतलब इतने सालों से मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ। थैंकफुली फ्रॉम डे वन, आई थिंक वन थिंग विच हैज ऑलवेज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट हैज बिन द लव एंड द फेथ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फैमिली विच वी हैव रिसीव्ड इन ऑल दीज ईयर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंटिन्यूड लव टू ऑल ऑफ अस, मतलब टीम यस विल ऑलवेज बी इंडेटेड टूवर्ड्स इट। सो मतलब दी आइडियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग वॉज वेरी वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी क्लियर। मतलब पहले दिन से कभी ऐसा मेरा पर्पस या ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मेरे को एक्चुअली टीचिंग करना ही है, बट एक गुड इंसाइट, हैंडफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ कॉर्पोरेट्स इन द पास्ट, फिर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आई जस्ट स्टार्टेड, इट क्लिक्ड, और दैट इज वाई आई एम हियर बिफोर ऑल ऑफ यू। अच्छा दी अदर साइड, वाई दिस सब्जेक्ट? अच्छा एक टाइम था जब आपके बाकी जो थियरी सब्जेक्ट्स थे ना इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर, तो ये थियोरी सब्जेक्ट्स जितने भी थे एग्जीक्यूटिव के वो मैं पढ़ाता था। फिर एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यू शुड ओनली बी डूइंग जस्टिस टू दो सब्जेक्ट, परहैप्स यू कैन ओनली डू जस्टिस टू दो सब्जेक्ट्स वेयर यू गॉट सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इट। सिक्योरिटीज, ऑफकोर्स आई हैव वर्कड विद कंपनीज, इनफैक्ट जब भी मैं जॉब कर रहा था आई हैव वर्कड ओनली विद लिस्टेड कंपनीज, तो ये जितने भी कंप्लायंसेज यहाँ पे हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ इट वी हैव ऑलरेडी डन इट प्रैक्टिकली, सो आई थिंक दैट्स वन रीजन। और दूसरा, आप अभी जिस स्टेज पे हो, मैं जब एग्जीक्यूटिव में था मेरे, मैं तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन एनी एक्सपीरियंस टिल डेट। सो आई थिंक ये दो रीजन्स है वाई आई पर्सनली फील दैट मेरे को ये सब्जेक्ट एक्चुअली इसलिए बहुत ज्यादा, कोई अगर मेरे को बोलेगा ईबीसीएल पढ़ाना है, सच में मतलब आई कैन नॉट डू इट, और परहैप्स यू शुड नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट व्हेन यू ऑलरेडी हैव द बेस्ट मैन फॉर इट। सो या हियर आई एम फॉर सिक्योरिटीज लॉज इन कैपिटल मार्केट्स फॉर मॉड्यूल 2। अच्छा नाउ बिफोर आई टेक यू फॉर मैं थोड़ा बहुत आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज ये सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना एक्साइटमेंट में खो जाता हूँ ना कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तुम्हारी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अभी शायद आपको इस पे स्क्रीन पे मेरा फोन ना दिखे, बट मैंने ना यहाँ पे देखो, मैं कल रात को ही बैठा, मैं नोट्स बना रहा था मेरे, कि मेरे को अभी आपको शायद नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, थोड़ा जूम वूम करके देखोगे तो आई एम श्योर क्लियर दिख जाएगा। तो यार मैंने वो टॉपिक्स लिखे थे विच आई रियली वॉन्टेड टू कवर डेलिबरेटली, बिकॉज हर बार क्या होता है ना, मैं आता हूँ और सीधे तन 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 सिक्योरिटीज में इतना बोलना चालू कर देता हूँ कि मैं यही भूल जाता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में भी बताना था। सो बिफोर आई डू दैट, मैं पहले हल्का सा आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूं ऑफ व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, है ना। सो आप टिपिकली देखो तो दिस सब्जेक्ट हैज टू साइड्स, है ना, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है। सो पहला सिक्योरिटीज लॉज है और दूसरा कैपिटल मार्केट्स है। सर क्या डिफरेंस है दोनों में? हमको तो यही पता था कि सिक्योरिटीज लॉज इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, विच इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस मुझे लगता है स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए उन्होंने क्रिएट कर दिया। क्यों सर? अच्छा अब दो सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप आपके मॉड्यूल में देखोगे, है ना, अगर आप आपका इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई का मॉड्यूल देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है 16, लेकिन अपने नोट्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 18। सर आप हल्बा ऐसे करते हो, सर आप बुक में इतना जाते हो, सर आप हमेशा ऐसे ज्यादा ज्यादा पढ़ाते हो, सर ज्यादा होते तो कुछ बहुत बेहतर फेल हो जाएंगे सर। हट, दो चैप्टर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो इसमें से जो 17 चैप्टर आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अच्छा आप कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लेना इंस्टीट्यूट का पिछले 3-4 साल का, उन्होंने हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे, हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए। मैंने ये एक पूरा नया चैप्टर बना दिया था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, राइट। जैसे आपने कंपनी लॉ भी जो मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें भी आपने देखा होगा 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं। एक जितने भी चैप्टर्स है जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने इंस्टीट्यूट के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चैप्टर 17 में डाल दिया, और नेक्स्ट चैप्टर 18 है
जो भी इंस्टीट्यूट ने एक मस्त तरीके से हर चैप्टर के पीछे बड़ी बड़ी केस स्टडीज इंक्लूड कर दिया, नॉट रियली केस स्टडीज, मतलब केस लॉज हैं, जजमेंट्स हैं उनके, तो उसका मैंने एक अलग से चैप्टर बना के चैप्टर 18 कर दिया है, विच इज वाई आपके नोट्स में 18 चैप्टर्स हैं और आपके मॉड्यूल में 16 चैप्टर्स है ना। प्लीज ऐसा मत बोलना सर आपके नोट्स तो अपडेटेड ही नहीं है सर, इसमें तो 18 है सर, मॉड्यूल में 16 है, तो ये 18 चैप्टर्स इसलिए है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा अब अगर आप वेटेज की बात करते हैं तो जो पहला सेक्शन है आपका विच इज अबाउट सिक्योरिटीज लॉज, सो सिक्योरिटीज लॉज हैज ऑल इन ऑल 14 चैप्टर्स। सर अब आप ये बताइए सर इसमें कौन कौन से चैप्टर्स, सर हमको वी वॉन्ट टू नो अबाउट एवरी चैप्टर। गधे तेरे को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पता है अभी, तेरे को सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है पता है अभी, तेरे को बेरिश बुलिश क्या होता है तेरे को पता है अभी, सर कुछ कंपनीज के नाम आप बताओ हम उसके भाव बताएंगे आपको, साला इंटरनेट पे देख के सब बताते रहेंगे, अभी अपने को कुछ भी नहीं पता। अभी मैं आपको बोलूंगा हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओ वाह सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, जरा इनसाइडर के बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना, तो अभी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देके तो कोई सेंस नहीं है ना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो अभी सिर्फ ये देख लो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, राइट। वो भी इसलिए मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ क्योंकि हर बार बताना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ओके। बाकी ऐसा कोई मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ कोई चैप्टर्स, हम लोग स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे है ना। सो 14 चैप्टर्स सेक्शन ए है ना, 14 चैप्टर्स हैं, अगर आप ये देखो तो ये नोट्स का इंडेक्स है, खैर 14 चैप्टर्स हैं, 70 मार्क्स, ठीक है 14 चैप्टर्स 70 मार्क्स, दिस इज पार्ट ए सिक्योरिटीज लॉस, पार्ट बी इज कैपिटल मार्केट विच इज 30 मार्क्स, ठीक है। सो पार्ट बी में दो ही चैप्टर्स हैं और 30 मार्क्स के हैं। सर क्या आप बात कर रहे हो सर, ये दो चैप्टर तो मैं ऐसे चाटूंगा ना सर कि मेरा 30 में से 45 तो आ जाएगा सर, तो इसमें से 30 में से 45 आ गया सर, ऊपर 70 मार्क्स का सर, उससे मैं तो 5 मार्क्स तो मैं ऐसे ही मैनेज कर लूंगा सर, तो ये हो गया मेरे 50 मार्क्स, मैं पास हो गया सर, अब ये स्ट्रैटेजी रहेगी सर मेरी तो। अबे झंडू इतनी इंस्टीट्यूट भी मूर्ख नहीं है ना। तो जब ये दो चैप्टर्स आपको यहां पर दिए हैं तो ऑब्वियसली इसका एक मेजर लिंकेज आपके पार्ट ए से भी है, राइट। सो ऑफ कोर्स हम लोग सीक्वेंस चेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने कंपनी लॉ में भी चेंज किया था, सिक्योरिटीज में तो नेक्स्ट लेवल चेंजेस हैं, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3 से, उसके बाद हम लोग डेट की चैप्टर 16 करेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सेक्शन बी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जो चैप्टर 15 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, उससे सिर्फ एक ही चैप्टर में बोल रहा हूँ करीब करीब 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, सो आपको ये पता है कि आपको कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अच्छा हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में रखे जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हर अटेम्प्ट में ऐसा कुछ चेंज होता है जहां पर इंस्टीट्यूट एक मस्त सरप्राइज देती है जो स्टूडेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, उसे धनाधन धनाधन बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सो वील नॉट डू दैट। हर चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे यहां पर हर स्टूडेंट इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। सो पार्ट ए सिक्योरिटीज लॉस 70 मार्क्स, पार्ट बी कैपिटल मार्केट्स 30 मार्क्स, पार्ट बी में दो ही चैप्टर्स हैं और उसका वेटेज 30 मार्क्स का है, पार्ट ए में रिलेटिवली काफी कंटेंट है, 14 चैप्टर्स कंप्राइजेस ऑफ 70 मार्क्स है ना। तैयारी तो पोर्शन है। अच्छा लास्ट के जो दो चैप्टर्स हैं 17 18, ये हर चैप्टर का मिक्स है, इसमें हर चैप्टर के केस लॉज भी है और हर चैप्टर से अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो वो भी इसके अंदर है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका सिलेबस है, बस आई थिंक अभी सिलेबस में इतनी ही जरूरत है। अब थोड़ा सा अपन मुद्दे की बात करते हैं है ना। अब मैं आपको सब्जेक्ट का बता देता हूँ हल्का फुल्का, क्या वट यू गेट वट आई एम प्लानिंग टू है ना, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन सी बुक्स मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। सो फर्स्ट यू गेट अ मेन बुक है ना, एक जैसे मेन जॉब की नोट्स होते हैं वो पूरे के पूरे सिक्योरिटीज के आपके मेन नोट्स आएंगे आपके पास, एक दैट्स वन। दूसरी एक क्वेश्चन बुक आएगी, क्वेश्चन बुक भी मेरी अपडेट हो गई है, इनफैक्ट जो आपके लास्ट अभी December 21 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। सो मतलब लेटेस्ट टू डेट जितने भी क्वेश्चंस आपके आज तक इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन बुक में अपडेटेड है, राइट। अच्छा जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको ऑलरेडी मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी पता है, उसमें ऑफकोर्स एक दो चीजें हम लोग और ऐड करेंगे बैच बाय बैच, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ बेटर करूँ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बैच। सो उसमें हम लोग वापस से और कुछ कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, सो उस क्वेश्चन बुक से आई विल गिव यू क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट, नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा। आई थिंक लास्ट बैच क्रिएटेड माइलस्टोन्स, इन मे बैच प्रॉब्ली वी रोट अबाउट 80 ऑड क्वेश्चंस, जुलाई बैच में भी 80 85 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में लिखे हैं, राइट, जो डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस लिखते थे इतने तक क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में लिखे हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि और अगर उसमें कुछ इजाफा कर सकें और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस लिख सकें, सो वील ट्राई एंड डू दैट है ना। सो या ये था अबाउट
द राइटिंग पार्ट, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. सो पहला एक मेन बुक है, दूसरा एक क्वेश्चन बुक है. अच्छा, तीसरी बुक है जो मैं अभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना. मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे लास्ट बैच में मैंने एग्जाम के पहले थोड़ा और पुश करके एंड आई गेव यू अ रिविजन बुक, राइट. मेरी बिल्कुल बनती कोशिश है कि मैं केस बुक आपकी बनाऊं, है ना. मैं अच्छा आपको बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा की बातें. इसमें रहेगी आपकी केस बुक, मैंने कहीं तो सेव की हुई है. तो यार मैं सिक्योरिटीज लॉस की केस बुक पे काम कर रहा हूँ, विच विल हैव अ गुड कंपाइलेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर. जैसे कंपनी लॉ में आप बोलते हो ना कि सर उससे ही एज इट इज आ जाता है, तो मे आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस बुक, है ना. आप ऐसे देखोगे तो इसमें मैंने काफी सारा एडिशन कर दिया था. यार बुक सेव कहाँ की मैंने, शिट. हाँ या तो यार इस पे मैं अभी हाल फिलहाल में काम कर रहा हूँ, है ना. और काफी सारा हो भी गया, ऐसा नहीं है. मतलब अब इसमें मेरे को और थोड़े एडिशंस करने, आप अभी देखते हो ना, तो इसमें काफी सारा तो ऑलरेडी कर. तेरी स्टाइल्स कहाँ गए रे. अच्छा, तो ये आप देखोगे ना तो काफी सारा है इसके अंदर कंटेंट ऑलरेडी. बस मेरे को जो लास्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स आए वो प्लस लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस वो इसके अंदर ऐड करने, तो वो मैं और ऐड करके आपको दे दूंगा. तो अभी भी आप देखोगे तो काफी बड़ी तो है ही ऑलरेडी. सो दिस इज व्हाट आई थिंक 300 पेजेस की तो है अभी, है ना. 300 पेजेस की है इसमें. और मेरे को आप ऐसा मानना कि 60-70 क्वेश्चंस और मेरे को ऐड करने लास्ट अटेम्प्ट के, और उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस थे जो विच आई वांटेड टू इंक्लूड इन दिस. सो मैं बिल्कुल बनती कोशिश है, प्लीज इसके लिए मेरे को फोन मत करना, कॉल मत करना, मैसेज मत करना. जब भी रेडी होगी मैं आपके साथ सभी के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, है ना. सो एज एंड व्हेन इट इज रेडी आई विल शेयर इट विथ यू. बस इसके लिए फॉलो अप मत करना, मतलब आपसे ज्यादा मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ. बिकॉज़ आई एम ड्यूटी बाउंड, सो आई विल डू इट, है ना. जब भी हो पाएगा मैं डेफिनेटली आपके साथ ही शेयर कर दूंगा, अगर हो पाया तो. ओके, हाँ. सो या तो यार ये स्टडी मटेरियल वाला पार्ट है, है ना. ये तीन चीजें तो अपन देखते हैं कि कैसे कैसे आपके पास आपके हाथ में आती रहेगी. अच्छा ना, गोइंग फॉरवर्ड, अब थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ. मतलब अभी हम लोगों ने टॉपिक के बारे में देखा था कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या है. एनीवे उसका कोई बहुत सेंस नहीं है. मतलब सिक्योरिटीज का अगर आप ऐसे पोर्शन देखोगे ना तो आई रियली लव इट. मतलब अमेजिंग तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट किया. दे हैव टेकओवर्स, दे हैव इनसाइडर ट्रेडिंग, उसके बाद लिस्टिंग वाला पार्ट तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो आता ही आता है. जब भी आप अगर आप सिक्योरिटीज पढ़ रहे हो, कैपिटल मार्केट्स पढ़ रहे हो, और अगर आपने लिस्टेड कंपनी के बारे में या लिस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस, राइट. अच्छा, बनती कोशिश आप वैसे देखोगे ना तो ये सब्जेक्ट बहुत लोगों को बहुत ही थियोरिटिकल लगता है ना. बट ये एक्चुअली में थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. और प्रैक्टिकल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ जॉब ऑफ अ टीचर, यू नो, कि उसको कितना प्रैक्टिकल इनसाइट दे सकता है. और मेरी पूरी बनती कोशिश रहेगी, मतलब आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू विद दैट. मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मैक्सिमम मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल ज्ञान दे सकता हूँ, आई विल ट्राई एंड डू इट इन एवरी पॉसिबल वे, है ना. सो हम लोग जो बिल्कुल रियल लाइफ करंट मार्केट की बातें हैं कि आज सेंसेक्स क्या है, कल कौन सा स्टॉक कितने था. अच्छा, कुछ स्टॉक्स भी हम लोग विल जस्ट पिक इट अप, है ना. कुछ स्टॉक्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग द इंटायर बैच, कि जब बैच स्टार्ट किया था उसके प्राइजेस क्या थे, और जब बैच हम लोग क्लोज कर रहे हैं उसके प्राइजेस क्या है, बढ़ा है गिरा है, राइट. सो बस इसका पर्पज ये है कि पढ़ते 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 दो चीजें हो जाए. एक, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इन सब चीजों में, और दूसरा एक बेस लेवल आपका बन जाए कि इवन इफ यू गेट टू ट्रेड, इफ यू स्टार्ट टू ट्रेड, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपका उन सब चीजों का एक्सपीरियंस रहे, राइट. सो ये पूरा के पूरा पर्पस है. गोज विदाउट सेइंग वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द कंटेंट पार्ट, राइट. मतलब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर यू गाइज फॉर द एग्जाम्स, ठीक है. सो दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. चलो भाई, बाकी और क्या बोल रहे हैं. मेन बुक और मॉड्यूल में कितना डिफरेंस है, मेन बुक और मॉड्यूल में कैसे डिफरेंस. मैं नोट्स जब भी बनाता हूँ ना आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बनाता हूँ, मतलब वी डोंट डिफरेंशिएट विद दैट. सो बेस हमेशा वही रहता है. सर हमारी सीएसईटी है पर 8 जैन को, उसके बाद भी बैच स्टार्ट होगा. हाँ हाँ, ईटी का अपन वे आउट निकालेंगे, डोंट वरी. चलो यार, सो ये पहला पार्ट था. अच्छा, नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, है ना, मे बी जैसे अभी हम लोगों ने आप स्क्रीन पे चैप्टर 3 देख रहे हो, राइट. सो
मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं एक्चुअली कुछ बेसिक वर्ड्स है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. अच्छा, लेट्स मेक इट अ बिट मोर इंटरेक्टिव, है ना. अपन लोग कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की पहले बात कर लेते हैं, बात करते हैं ऑब्वियसली अबाउट द सब्जेक्ट, है ना. आपकी ब्रेकअप क्या रहे हैं? शमी को उससे बहुत प्यार था, शमी को ना छोड़ के चली गई वो सर. और मेरे को अच्छी बात बताया कि आप किसी बिल्कुल याद भी नहीं आती है सर, क्योंकि मेरे को तो नई मिल गई है सर. वो जाए तो जाए सर, ऐसी 2500 और आएगी. ये फालतू बातें नहीं करनी है, जो भी हम लोग बात करें अब हम लोग सब्जेक्ट से संबंधित बातें करते हैं. हाँ जी, सो सुनना जरा. ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. चलो एक अपन कोई समझदार महाशय यहां से उठाते हैं और एक मिनट के लिए. अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से क्यों बात करें, आई थिंक सबसे बात करते हैं. चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, है ना, ऐसे जस्ट इन योर वियर्डेस्ट साइट ऑफ इमेजिनेशन. अच्छा ओके, मोस्ट एक्साइटिंग साइट ऑफ इमेजिनेशन. लेट्स अज्यूम यू ऑल हैव बिकम कंपनी सेक्रेटरीज. आप सब लोग सीएस बन गए, है ना. बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत के साथ आपने इतनी सारी पढ़ाई की. यू डिड योर आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप वेंट रियली वेल. यू अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट, आपके पास फाइनली वो मेंबरशिप नंबर आ गया. यू वेरी एक्साइटेड. आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन और पता नहीं कहाँ कहाँ जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होता है, बिलीव ये सब टिंडर पे तो नहीं डालोगे, ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो. एंड यू फाइनली हैव बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. जैसे आप सीएस बने, कंपनी जैसे लाइन लगा के खड़ी हुई थी कि बस आओ और इसको उठा के ले जाओ. उठा के ले जाओ मतलब जॉब आपका ऑफर किया और फाइनली यू गॉट योर ड्रीम जॉब, राइट. जो कंपनी आप सोच रहे थे वो कंपनी आपको मिल गई एंड यू हैव ज्वाइंट द कंपनी, मे बी एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज एन असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, मे बी एज अ डेप्टी कंपनी सेक्रेटरी, राइट. ऑल दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. नाउ मैं बिलीव करता हूं एक रैशनल लेवल पे हम लोग बात करते हैं ना, थोड़ा मिनिमल लेवल पे हम लोग बात करते हैं. लेट्स अज्यूम कि आपकी जॉब लगी और आपकी जो स्टार्ट की सैलरी थी वो लेट्स से 60,000 रुपये महीना, है ना. कितना मिल रहा है आपको? 60,000 रुपये महीना, है ना. अपन चिराग के हिसाब से नहीं जाएंगे, घंटे के हिसाब से, अपन महीने के हिसाब से जाते हैं. सो 60,000 रुपये महीना आपकी नौकरी लग गई, है ना. अच्छा, अब 60,000 रुपीज इन हैंड आपके हाथ में आ रहा है. अब मेरा सवाल आपसे, इस 60,000 रुपीज का क्या करोगे? माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, 60,000 रुपीज का आप क्या करोगे, है ना. जो रैशनल बात है वही करना. सर हम ना पता नहीं सर क्या करेंगे, सर समझ नहीं आ रहा सर, जीवन से बहुत परेशान सर हम लोग, हमको तो पता ही नहीं सर क्या. हाँ, तो जो बिल्कुल बनती बात है वो करना कि ये 60,000 रुपये की नौकरी लगी तुम्हारी, अब क्या करोगे. हाँ जी, वेरी गुड. ये देखो, मेरे को पता था दो चार ज्ञान वाली औरतें निकलेगी यहां पर और बोलेगी सर हम इन्वेस्ट करेंगे. साला खर्चे नहीं है क्या तुम्हारे, हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के खर्चे, तुम्हारे माँ बाप के खर्चे, जो तुमने पिछले इतने सालों में इतना सारा लोन लिया होगा वो सारे के सारे लोन तुमको रीपे करने. लोन कौन से, वो दोस्त से उधार लेते हैं, ए 500 रुपये देना 2 दिन के लिए, देना देना देना. तो ये सब कहीं ना कहीं इकट्ठा करके चुकाओगे ना, नहीं चुकाओगे. हाँ जी, कुछ स्पेंड कुछ सेव. ओके ब्रिलियंट. फर्स्ट सैलरी टू माई पेरेंट्स, वाओ वेरी नाइस. आई ऑल्सो बॉट अ सारी फॉर माई मदर, और बापू के लिए एक शर्ट खरीदा सस्ता डिस्काउंट में. पापा भी ज्यादा खर्चा नहीं करता. मैं खर्चा बॉयफ्रेंड उठाएगा हमारे, वाह शीनू, भगवान करे तू सिंगल ही मरे साली चुड़ैल. हट, ये आधे बॉयफ्रेंड के तो इसलिए हेयर लॉस होता है, तुम प्लीज मेरे पर मत जाना. हाँ जी, कुछ खर्च कुछ सेविंग, ठीक है. आपके लिए कुछ लेंगे भाई, तू इतना आगे जाएगा ना, इतना आगे जाएगा ना, तेरा 60 नहीं, तेरे 1,60,000 का पैकेज है भाई. 1,00,000 रुपये उसमें से मेरे को दे देना प्लीज, 1,00,000 रुपये तो मेरी दुआ की वजह से मिला ना तेरे को एक्स्ट्रा. ओके चलो, अब सुनो. सो मैं रैशनली ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर कोई समझदार इंसान है, शुरू के 2-3 महीने तो ऑब्वियसली मैं प्रिज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ सेव कर पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे खर्चे आपके ड्यू होंगे, है ना, आपके इतने सपने होंगे, बहुत सारे मॉल्स के सामने से, बहुत सारी शॉप्स के सामने से आप जस्ट गुजरते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि काश मेरे पास पैसे होते ना, आज तो मैं ये टॉप खरीद लेता, है ना, तो आज मैं टी शर्ट खरीद लेता, आज मैं शर्ट खरीद लेता, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके सपने होंगे. तो आई एम श्योर, मैं कीपिंग असाइड दोज थिंग्स, वो 2-3 महीने में मानता हूँ कि सब आपके जनरल खर्चों में निकल के, राइट. अब 4th मंथ की सैलरी वापस से आपके अकाउंट में आती है, बड़े खुश हो आप, कंपनी आपकी बहुत अच्छी है, 31 तारीख महीना खत्म होता है और 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा, और बस सुबह सुबह 1 बजे आप अपना फोन लेके ऐसे हाथ में पकड़ के और बैठे रहते हो और बस ऐसे इंतजार करते रहते हो, कंपनी का मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट विद ₹60,000. जैसे ही आया हुर्रे 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 करके नहाए धोए, अब आप क्या करोगे उस 60,000 रुपीज का, जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस थे,
उसके लिए मैं रैशनली कुछ अमाउंट निकाल देता हूँ, आपके घर की कुछ कॉस्ट है, राशन दाना पानी हो गया, मेडिकल हो गया, ये वो ये वो, उसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट निकाल दिया, राइट। सो वो सब कट करने के बाद लेट्स से 30,000 रुपये मेरे हाथ से चले गए। अब आपके पास जो नेट अमाउंट बचता है, दिस इज लेट्स से 30,000 रुपीज पर मंथ। ये आप हर महीना इतना अमाउंट सेव कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये खैर वॉरेन बुफे ही सेट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस। मैं इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि व्हाट अ वेस्ट मैन, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक और व्हेन आई रीड दैट लाइट अगेन, इट मेक्स सो मच अ सेंस टू मी। सो अगर आप मेरे हर चैप्टर में देखोगे ना, तो ऐसे वॉरेन बुफे के ना हर चैप्टर के स्टार्ट में एक ऐसा ब्यूटीफुल सा कोट है। ओके, ये कोट मैंने इंटरनेट से उठाया है, ओके, एज इट इज इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, सो वो प्योरिटी रहेगी आपके। तो ये हर चैप्टर में मैंने ऐसे कोट्स दिए हुए, रीड दीज कोट्स, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस, ब्यूटीफुल है, बहुत ही बढ़िया दिए हुए है ना। हाँ जी, सो अब ये 30,000 रुपये आपके हाथ में बचे है ना, हर महीने 30,000 रुपये आप बचाते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होंगे हु आर एब्सोल्युटली एंटी इन्वेस्टिंग, राइट, जिनको इन्वेस्टमेंट बोला ना उनको ऐसा लगता है कि हट साला घटिया आदमी, आज कमाया आज उड़ाएगा, मैं तो मैं सेव वेव नहीं करता, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। तो वॉरेन बुफे सेड इट वेरी वेरी ब्यूटिफुली, ही सेड फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड, राइट। अपनी इंडियन माइंडसेट क्या होती है, वी फर्स्ट स्पेंड एंड देन बाद में जो बचाता है वो हम लोग सेव करते हैं, बट रैशनली क्या करना चाहिए, यू शुड फर्स्ट सेव, राइट, और जो आपने पैसा सेव किया उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, और उसके बाद सेव करने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाए उसको फिर आप स्पेंड करो, अदरवाइज उसमें कभी रैशनलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपको खर्च करने के लिए बोलूंगा तो 30,000 क्या, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा आप खर्च कर दोगे, मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगा खर्च कर दोगे, मतलब लग्जरी हैज नो एंड, राइट, आप जितना चाहो इतना पैसा खर्च कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल सेव अ पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, और उसके बाद जो बच जाता है दैट विल स्पेंड। सो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप 30,000 रुपीज हर मंथ सेव करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे कि आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक इंडिविजुअल के सामने होती है जहां पर ही कैन गो एंड इन्वेस्ट और ही कैन पार्क हिज फंड्स, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। ओवर टू यू, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए एक एक करके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। यस, अकेडमी के शेयर खरीदेंगे लिस्ट होने के बाद इंशाल्लाह, मतलब कुछ होना हो ये चीज जरूर होगी भाई मेरे। वेरी गुड। सो एक बूढ़ी दादी है हमारे यहाँ पर जो बोलती है एफडी, जबरदस्त, इस ईयर भी ऑफलाइन नहीं पढ़ पाऊंगी क्या सर? मैम पता नहीं, हम खुद असमंजस में हैं। वेरी गुड, समवन सेज अ म्यूचुअल फंड, समवन सेज एन SIP, ठीक है, सो आई एम जस्ट पॉइंटिंग द राइटिंग डाउन पॉइंट्स जो आप यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हो। समवन सेज शेयर्स, ओके, समवन सेज रियल एस्टेट, और एक गजब यार, बहुत ही ब्रिलियंट लोग हो तुम तो यार, मेरे को लगा था कुछ चीज़ें तो मुझे लिखनी पड़ेगी, सभी लिख दिया तुमने तो। ओके, इंश्योरेंस, वाह, ए क्लास की छोरी भी छोरों से कम नहीं हो गए, गोल्ड, ओ माय खाच, सभी लिख दिया यार, पोस्ट ऑफिस, जेबात, एक और दादी आई अपने बीच में, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, हाँ लैंड मतलब आ गया रियल एस्टेट में सर, शेयर मार्केट आ गया आपका शेयर्स के केस में, डेट, ओके, टेकन, एंड समवन सेज क्रिप्टो, ये भी ऐड तो कर देता हूँ मैं, ठीक है, ओके, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। आई थिंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स डेट में आ जाते हैं, फिर अगर आप ETFs की बात करते हो एक तरीके से डेट इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं वो भी, है ना। चलो नाइस, सो आई थिंक दीज आर दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विच पीपल हैव सेट। समवन सेज डायमंड, डायमंड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर गॉड सेक, सिल्वर, ओके, ठीक है, आई थिंक गोल्ड मतलब आपका पूरा बुलियन में आ गया, ये कमोडिटीज में आ गया, दाल बाटी चूरमा, विकू सर चूरमा, थैंक यू सर, लेंडिंग टू अदर्स ऑन इंटरेस्ट, आई थिंक ये भी डेट में आ गया। चलो ठीक है, आई थिंक मोटा मोटी मुझे समझ में आ गया क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपके दिमाग में आ रही है। ओके, लेट्स गो टू देम वन बाय वन। अच्छा, अब मैं ना कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज गुड इट इज बैड, हर इंसान का ना एक थॉट प्रोसेस होता है, हर इंसान का एक माइंडसेट होता है। अच्छा, सबका रिस्क एपेटाइट होता है ना। इन केस इफ यू डन एनी ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट, राइट,
कुछ लोग जैसे वाटर स्पोर्ट होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं, दे डायरेक्टली जंप इन टू द वाटर, अंदर जाते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि भाई क्या करने आया था तू, तो बताता स्नॉर्कलिंग करने आया था. तो अगेन हर इंसान का एक कंफर्ट होता है, राइट? किसी को हाइट से बहुत प्यार होता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को लगता है बंजी जंपिंग इज द बेस्ट राइड इन द वर्ल्ड, किसी को ऐसा लगता है कि गया तो नीचे, वो हो गया ना इंडिया में केस हो गया ना बंजी जंपिंग के लिए, गया वो कहाँ ऋषिकेश में, वो कहाँ हुआ पता नहीं मेरे को, और उसको पीछे से टाई करना ही रह गया यार, एंड गया अंदर. तो सो रिस्की मैन, मतलब आप कूद रहे और कोई आपको बांधना ही भूल गया, मतलब शिट. डेफिशिएंसी इन सर्विस का भी लास्ट पॉइंट था ये. तो ऐसे कह बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है. तो हर इंसान का ना एक इन्वेस्टमेंट कंफर्ट होता है, राइट? किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा होता है, किसी का रिस्क एपेटाइट एकदम ही खराब होता है, राइट? सो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अच्छा, अब मैं अगर अपनी टीम में बात करूंगा ना, मतलब आप ऐसे देखना, ऐसे ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट करता हूँ, बट आई लव, है ना, मतलब मेरे को वो सिक्योरिटीज का, आई थिंक जो इक्विटीज का थ्रिल होता है, आई लव इट, मतलब आई गेट सम काइंड ऑफ रश, आई डोंट नो व्हाई, बट नशा है. तो किसी को सिगरेट का नशा होता है, किसी को दारू का नशा होता है, मतलब सच में आप ये छोड़ सकते हो, बट ये इक्विटी का नशा इतना घटिया है ना, अगर इफ डन इन द राइट वे, मतलब इट कैन डू मिरेकल्स, और अगर वो आपने उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया, मतलब इट कैन डू ब्लंडर्स, यू कैन नेवर कम आउट ऑफ इट. सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट? अब आप अगर जैसे हरी सर की बात करोगे, ही नेवर इन्वेस्ट्स, मतलब उसको पसंद ही नहीं, मैं उसके मुंह से आज तक कभी नहीं सुना कि उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है. टू हरीश, इन्वेस्टमेंट मींस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उसको बस लैंडलॉर्ड बनना है. और बहुत क्लियरली बोलता है, कल ही मेरे को बोल रहा है, बोले भाई ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज, अब मेरे पास 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट आता है, और 2-4 प्रॉपर्टी खरीदूंगा 3-4 साल में, 4-5 लाख रुपए महीने का रेंट, और बस मैं मेरी बीवी और बेटी को लेकर फिर पूरे भारत भ्रमण पे घूमूंगा. झूठ, सफेद झूठ, मतलब उसका 2% भी नहीं करने वाला. आ जाएगा तो पूछना हाँ कि क्या प्लान्स है सर आपके, एक बार आपके पास 5 लाख रुपए की रेंटल इनकम होगी उसके बाद क्या करोगे आप, पूछना आज साले को दिन में आएगा. तो सब बोलने सुनने की बातें होती है, ऐसा कोई नहीं करता. तो अब लेकिन अपना अपना थॉट होता है. अब उसका इन्वेस्टमेंट कंफर्ट किस में, रियल एस्टेट में, राइट? टू मी लास्ट थिंग, मतलब आखिरी में अगर किसी में इन्वेस्ट करूंगा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा. व्हाई, आई विल टेल यू द रीजंस, राइट? अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार कंजर्वेटिज्म इज लाइफ. तो आप सूरज सर को देखना. हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सूरज सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की आप बात करोगे तो बोलता है पाप. मेरा नाम सूरज, कैसे पाप है? वो FM पढ़ाता है, उसको भी पूछना आज. हाँ देखो, कुछ अलग ही कहानी सुनाएगा आपको. हाँ कल मेरे को बताना साला क्या बोला झूठा आदमी. तो आप जैसे बोलोगे सूरज सर को, सर आप इक्विटी इन्वेस्ट करते हो, मैं नहीं करता, फिर वो आपको और 25 नए तंत्र दे देगा कि वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटीज. तो फिर आप उसको वापस से काउंटर करना, और जब वो बहुत इमोशनल हो जाता है ना तब वो सच बताता है. तो उसने एक दिन जब बहुत इमोशनल हो गया मेरे को बोला कि भाई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पाप है. मैंने बोला क्यों? बोलता है जब तू पैसा कमाता है तो किसी का लॉस होता है, जब किसी का लॉस होता है तो उसकी आत्मा जलती है, तो उसकी जब आत्मा जलती है तो उसकी आत्मा से तड़प निकलती है, और जो उसकी तड़प होती है उसमें बद्दुआ आती है, और वो बद्दुआ तेरे को लगती है. शुड आई स्टॉप टीचिंग ऑल्सो? तो सबके अपने अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट साइंसेस. अब सूरज सर का हो सकता है कंफर्ट FD में बहुत ज्यादा हो, कि कम आएगा लेकिन चौखा आएगा, फिक्स आएगा, मतलब आएगा, राइट? तो हर इंसान का अपना कंफर्ट होता है, राइट? टू मी इक्विटी, और पता नहीं जब से क्रिप्टो विप्टो ये सब नए नए कॉइन्स और ये सब इतना ड्रामा हो गया ना, पता नहीं आजकल मुझे इक्विटी बहुत सेफ लगने लगी है. मतलब वो जब मैंने ऐसे पागलो टाइप मूवमेंट्स देखे इन ऑल दीज क्रिप्टो करेंसीज, मेरे को इक्विटी ऐसा लगता है कि यार सच अ सेफ इन्वेस्टमेंट. मतलब इतनी क्यूट है ना, ऐसे कॉर्नर में बैठी रहती चुपचाप बिल्कुल शांति से, कभी 2-5% बढ़ गई, कभी 3-4% गिर गई, बहुत ही क्यूट है. तो पर्सपेक्टिव, राइट? हर इंसान का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हम लोगों ने लिखे, लेट्स डिस्कस अबाउट देम, राइट? सो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, राइट? अच्छा, मैं एक तुमसे हाथ जोड़ के विनती, जिन बुजुर्ग लोगों ने ये दो ऑप्शंस मेरे को लिखवाए यहाँ पर, FD और पोस्ट ऑफिस सेविंग, थैंक यू सो मच आपके लिखवाने के लिए, बट मैं तुम्हारी बहुत बेइज्जती करूंगा. तो जो भी इन दो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, प्लीज मत. मतलब लोग FD में पैसा लगाते हैं, FD आपको 5-5.5% रिटर्न्स देती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है दिस इज टैक्सेबल, इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है. तो 5% आपको मिलता है साल का, उसमें भी टैक्स पे करना है. आपका इन्फ्लेशन आप देखोगे तो 6.5-7% आपका इन्फ्लेशन होता है. अब
मेरा 6.5% अगर इन्फ्लेशन है और 5% मेरे को रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपने सच में कुछ कमाया नहीं। समझदार लोग बोलते हैं, सर हमने 5% कमाया। तुमने मूर्ख हो तुम, 5% कमाया नहीं, तुमने 1.5% गवा दिया। आई एम श्योर आपके घर पे आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, अगर वो ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते, प्लीज उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना कि ऐसे मत कर। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर इस साल कोई चीज 100 रुपए की है, तो इफ योर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 7%, लेट्स अज्यूम इट इज 7%, तो अगले साल वो चीज 107 रुपए की हो जाएगी, राइट? अगर आपने 100 रुपए यही पैसा एफडी में लगाया, तो वो 100 रुपीज की वैल्यू अगले साल 105 रुपए की हो जाएगी। मतलब आपके हाथ में कितना है? 105, और आप खर्च कितना कर रहे हो? 107, राइट? सो आपने 2 रुपए गवाया है, आपने 5 कमाया नहीं है, 2 रुपए गवाया है, राइट? सो यू योर एफडी रेट्स और योर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के नॉट बीट द रेट ऑफ प्रेजेंट इन्फ्लेशन, राइट? उसको वो बीट नहीं कर सकते। और आई रियली डाउट कि ये फंडामेंटल कभी भी चेंज होने वाला इन नियर फ्यूचर, राइट? सो प्लीज डोंट मेक सच इन्वेस्टमेंट्स। एफडी में सिर्फ वो पैसा रखना चाहिए जो आपको लिक्विडिटी के फॉर्म में चाहिए, राइट? एक अर्जेंट नीड होती है, राइट? सो आपने लेट्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाला, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, राइट? हर इंसान का अलग अलग होता है। 2 लाख रुपए आपने एफडी में डाल दिया, ये वो पैसा है कि आपको आज लगे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई, तो आप इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर सकते हो, राइट? दैट्स एफडी। अच्छा, मैं इसके बाद गोल्ड के बारे में बात करता हूं। आई थिंक वन ब्यूटिफुल इन्वेस्टमेंट विच इंडियंस यूजली प्रेफर इज गोल्ड। जैसे आपने देखा होगा, ये हमारे यहाँ पे शादियों में रिवाज चलता आ रहा है, राइट? कि गोल्ड देते हैं लड़की को, है ना? मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके? गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सो लड़की के पिताजी उसको गोल्ड देते हैं। अभी जैसे चिराग है, तो चिराग ने मधु के लिए बहुत सारा गोल्ड खरीदा। मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ कितना खरीदा, बट जितना मैंने वो बिल्स विल्स देखे थे, उसमें मेरे को 55-60 लाख रुपए का अमाउंट दिया, बोलना मत उसको, हाँ? तो उसमें 55-60 लाख रुपए का तो गोल्ड मेरे को सामने, सिर्फ मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड और डायमंड, बाकी क्या इनका लेन देन है, आपस में क्या करते रहते हैं, कभी इधर करते कभी उधर करते, मतलब जो आदान प्रदान होता है पैसे संबंधित, मैं उसकी बात करूँ, बाकी तो तुम स्मार्ट हो। तो अभी इतना दिया उसने, तो क्यों देते, क्यों देते? सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए गोल्ड ही क्यों देते हैं सर, इक्विटी क्यों नहीं देते हैं? रिस्की है, गोल्ड सेफ है। अच्छा, गोल्ड सेफ क्यों है? अच्छा, इट इज द बेस, राइट, फॉर द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरा का पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करता है, राइट? पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करती है। सो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास है विच विल नेवर लूज इट्स वैल्यू, दैट्स फॉर अ फैक्ट। अनलेस कुछ ऐसा एक्सेप्शनल हो जाए कि क्रिप्टोज इतने डोमिनेटिंग हो जाए कि हर देश की गवर्नमेंट क्रिप्टो को बेस बना ले, राइट? वेरी अनलाइकली, मतलब होने के चांसेस ही नहीं है, बट पीपल इन्वेस्ट, राइट? बोलने का पर्पज क्या है? पीपल इन्वेस्ट, है ना? सो गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल पहले वो गोल्ड जो आपका 30-35 लेवल पर रहता था, वो एकदम से शूट अप होकर 50-55-57 तक गया। उसके बाद फिर वो 47-48 पे आके सेटल हुआ। अभी आई थिंक इसी के बीच में कुछ रेट है उसका, और 48,000 के आसपास आके वो स्टेबल हो गया। अभी मतलब बहुत टाइम से 1.5 साल से उसी रेट के बीच में खेल रहा है। वापस से इसने वो अपसाइड जंप नहीं देखी। 2022 जितना मैंने अभी जिस तरीके से ये मार्केट चेंज हो रहे हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगले साल आई थिंक एक क्लास ऑफ एसेट विच विल गिव यू गुड 12-15% रिटर्न्स इज गोइंग टू बी गोल्ड। अब 15% ना आजकल लोगों को बहुत ही इरेशनल लगता है, उनके साथ है चिंदी भिकारी साला 15% देगा हमको, तो वो एक अलग एक्सपेक्टेशन हो गई लोगों की। तो डिपेंड्स, यू नो, मतलब गोल्ड डिपेंड करता है। गरीबों के लिए कुछ बताओ आप, अमीर लोगों का एग्जाम्पल मत। भाई मैं भी इतना ही गरीब हूँ, मैं तो तेरे से भी बड़ा गरीब हूँ, तू किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। देख मैं तो ऐसे कोड़ के हाथ बना के और मैं ऐसे ऐसे करके भीख भी मांगता, भाई 2 रुपए दे दे, भाई 2 रुपए दे दे, बहुत भाई मैं तो नेक्स्ट लेवल गरीब हूँ। तो अपन आते, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, बट व्हेन आई स्टार्टेड टू ट्रेड, आई स्टार्टेड विद 3,500 रुपीज, यू नो। सो everything which starts small grows over a period of time and it sustains, that is something which is really really important. So kabhi apne aap ko us side mein mat manna ki aap chote ho, aap gareeb ho, aap aise ho, aap waise ho, you know, ultimately wo aapka conviction hai ki aap kahan jana chahte ho, right? Aapka perspective kya hai about all these things. So agar aap sochte ho ki kabhi किसी दिन आपका एक ड्रीम पोर्टफोलियो होगा, दैट पीपल विल टेक योर एग्जाम्पल कि यार पोर्टफोलियो तो इसके जैसा, सो स्टार्ट, you know, the first thing and the most important thing is start, aur usse bhi pehle your belief system, right? Main kal hi kisi ki ek bahut hi badhiya ek line maine suni, bahut hi influencing thi, main socha tha usko kahin use karunga, but kyunki aaj ye topic aa gaya to main abhi aapko bata deta hu. So it said, you know, someone just
रोट इट, और बहुत ही मुझे इतनी इन्फ्लुएंसिंग लगी ना वो. अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बात थी, मतलब बहुत कॉमन बात है, हम लोग जानते हैं, बस ये कि हम लोग रियलाइज नहीं करते उस चीज को. किसी ने किसी से पूछा कि जंगल का राजा कौन होता है. समवन सेड शेर. तो उसने दूसरे इंसान से पूछा कि तेरे को कैसे पता कि जंगल का राजा शेर होता है. तो फिर इसी इंसान ने, पहले वाला जो इंसान था जिसने क्वेश्चन पूछा, उसने बोला कि जंगल में सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है. इसने बोला कि जिराफ, हाइट सबसे ज़्यादा उसकी होती है, तो जिराफ सबसे ऊंचा जानवर होता है. फिर इसने पूछा कि जंगल में सबसे वजनदार जानवर कौन होता है. तो इसने बोला कि हाथी, सबसे ज़्यादा वजन, सबसे ज़्यादा ताकतवर हाथी होता है. फिर इसने पूछा कि जंगल में सबसे तेज, सबसे फुर्तीला, सबसे तंदुरुस्त वैसा जानवर कौन होता है. जिसने बोला कि चीता, सबसे फास्ट चीता भागता है. तो फिर इस इंसान ने पूछा कि जब सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है, जब सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है, और जब से तेज तर्राट जानवर अगर चीता होता है, तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों है? शेर तो इन तीनों में कहीं पे भी नहीं है, राइट? तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों होता है? जंगल का राजा शेर इसलिए होता है क्योंकि जब किसी ने शेर से पूछा कि क्या तू जंगल का राजा है, उसने बोला हाँ मैं जंगल का राजा हूं, तो सामने वाले ने पूछा कि तेरे अंदर ऐसा क्या है कि तू सच में इस जंगल का राजा है. उसने बोला मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, बट मुझे ये पता है कि मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, और अगर मैं मानता हूं तो मेरे साथ पूरी दुनिया भी मानती है, उसी कॉन्विक्शन के साथ, उसी एस्पिरेशन के साथ कि मैं जंगल का राजा हूं. और क्योंकि लोग ये मानते हैं, और उससे ज्यादा सबसे पहले मैं इस बात को मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा हूं. नॉट बिकॉज आई कैन किल एनीवन एनी टाइम, इस व्हाई आई एम जंगल का राजा, बिकॉज मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं, राइट? सो इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट बिलीफ सिस्टम. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप ये सोचोगे नहीं, जब तक आप इस चीज पर विश्वास नहीं करोगे कि आप कुछ हो या आपके अंदर ऐसा कुछ है दैट यू कैन एक्चुअली लीड this world, right? You can never do that. So, belief, right? The first thing is belief. Yeah. So, I think coming back to the investment part, hai na? So, yaar, ye chota bada, ameer, gareeb, you know, ye, I think examples mein bahut, it sounds very, very classy and very fancy. It does not make sense to me. Because aap kahin par bhi, kisi bhi stage pe, kahin par bhi agar aap pahunch jaoge, one thing is for a fact, koi na koi aisa hai jo aap se aage hai. Koi na koi aisa hai jo aap se pehle hai, right? To, you always have new challenges to set before the world, right? हाँ जी. So please, ये FD और post office saving से एकदम दूर रहना. अच्छा, gold के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. Gold, मुझे ऐसा लगता है, is the only investment which can be used as well as invested, right? सिर्फ ये अकेले ऐसे एक investment class है. अच्छा, आपने बहुत सारी equity खरीद ली. हाँ, बहुत सारी equity खरीद ली इस कंपनी के. आपके पास TCS के इक्विटी शेयर्स हैं, आपके पास ITC के शेयर्स हैं, आपके पास HUL के, आपके पास डीमार्ट के शेयर्स हैं, आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स, सब सब बढ़िया कंपनीज के शेयर्स आपने खरीद लिया. अब क्या किया कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैं किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपना कार्तिक है. कार्तिक का जो सरफेस एरिया वो भी काफी ज्यादा है, मतलब कार्तिक यहां से शुरू होता है तो इधर तक चलता ही रहता है, तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है. तो आई थिंक काफी सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग कार्तिक के नाम का प्रयोग करेंगे. तो कार्तिक ने सब इक्विटी शेयर्स खरीदे, इन सभी इक्विटी शेयर्स के अपने डीमैट स्टेटमेंट का एक प्रिंट लिया, और उसको हार फूल माला की तरह अपने पूरे शरीर पे लपेट लिया. अच्छा, पूरा शरीर लपेटना तो पॉसिबल नहीं है, जितने भी हार फूल माला आई वो कार्तिक ने अपने एक लेफ्ट हैंड पे लपेट ली, इतना ही कर सकता है ये. कैन यू मेक क्लोथ्स आउट ऑफ योर इक्विटी? नहीं. कैन यू यूज योर इक्विटी? नहीं. तो अगेन, उसको आप यूज कर सकते नहीं. आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से कैन यू यूज दैट? नहीं. आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, कैन यू यूज दैट? नहीं. आपकी FD की रिसीट है, कैन यू यूज दैट? नहीं. गोल्ड इज द ओनली क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कैन बी यूज ऑल्सो, राइट? एंड एट द सेम टाइम उसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी अप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएट होती है. डिप्रिशिएट बहुत कमी होती है वैसे, बट अप्रिशिएट होती है, राइट? सो गोल्ड दैट वे हैपन्स टू बी वेरी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट एज इट कैन बी यूज एज वेल एज योर मनी इज स्टिल इन्वेस्टेड, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गोल्ड. अच्छा, इंश्योरेंस लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. डोंट थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट सोचते हो ना, आप हमेशा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा. अभी लाइक परसों माई मदर गॉट डिस्चार्ज,
शी अंडरवेंट अ सर्जरी, सो वो L4 L5 उनका थोड़ा डिस्क का कुछ प्रॉब्लम हुआ था. सो अभी मेरा न्यू ईयर वाला पोस्ट खैर आपने देखा ही होगा. तो मैं पिछले 7-8 दिन अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही चल रहा था मेरा. सो बहुत सारे लोग ना इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, बस यहां से फिर आपका माइंडसेट गलत जाना स्टार्ट होता है. बिकॉज हम लोग फिर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल 100% रॉन्ग है. इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट? इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट. अब जैसे वो डॉक्टर ने उस वक्त कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बोला कि भाई आपकी सर्जरी का और मेडिकल सब इन सब चीजों का इतना इतना खर्चा आएगा, ठीक है. टचवुड, मतलब भगवान की कृपा से, आप सबके प्यार से इतना सब कुछ है कि वो जो भी अमाउंट हो, मतलब ठीक है, आई कैन अफोर्ड कि मैं विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन गिविंग अ सेकंड थॉट, आई कैन गेट द ट्रीटमेंट डन. बट कंफर्ट किस चीज का होता है ना, कि जब उसने बोला ना कि इतना इतना अमाउंट है, मतलब मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि सर ये चार्जेस क्यों हैं. ही सेड, आई सेड ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आई हैव माय मेडिक्लेम्स सेफ एंड सिक्योर, राइट, विच विल कवर एवरी सिंगल पेनी. मतलब आप पूरा ये मानना, मैंने टोटल खर्चा मम्मी के अभी जो इतना सब सर्जरी वर्जरी का सब कुछ हुआ उसका एक फिक्स पैकेज बना हुआ था, तो पूरा के पूरा मतलब मेरी जेब से टोटल 1250 रुपये गया, 1250 रुपीज है. बाकी माई इंश्योरेंस कवर्ड एवरी थिंग, सो 0 to 0, कॉर्नर टू कॉर्नर, इट कवर्ड एवरी सिंगल बिल. 1250 रुपये में आई गॉट द एंटायर सर्जरी डन. तो ये कंफर्ट होता है. इसलिए प्लीज कभी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझना, और आपके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए. मतलब इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, इंश्योरेंस होना ही चाहिए आपके पास. अगर आप चेक करना, अगर आपके खुद के इंश्योरेंस ना हो, और मतलब अगर अपनी फैमिली इतनी है, इतनी वेल ऑफ है कि हम लोग इतना प्रीमियम के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं, डू हैव मेडिक्लेम्स, मतलब बहुत जरूरी होता है. एक लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए, LIC का लो, किसी का भी लो, लेकिन ये पॉलिसी एक्चुअली आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो इज व्हाट आई पर्सनली फील इज इंश्योरेंस, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट क्लास. अच्छा, वो जब लोग एंडाउमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर 4% 5% रिटर्न मिलते हैं, वो तो मतलब मेरे हिसाब से भी वेस्ट है. मतलब मेरे को भी सेंस नहीं लगता उसका, आई डोंट डू दैट. मेरे पास भी वो टर्म इंश्योरेंस है, हर साल पैसे दो, रिस्क कवर मिल जाता है. अगर उस साल कोई अनहोनी हो गई तो पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा, क्योंकि वो देखने के लिए तो आप होंगे ही नहीं, और नहीं तो पैसा डूब जाता है, अगले साल वापस दो. मैं 15-17 हज़ार रुपये देता हूँ, और उसमें कुछ मेरे को 2 करोड़ रुपये का रिस्क कवर है. तो अगर 17,000 रुपये देके मेरे को 2 करोड़ का रिस्क मिल रहा है, रिस्क फ्री सेंस मिल रहा है कि भाई कल से अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे मेरे पीछे. मेक सेंस, एब्सोल्युटली इट मेक सेंस. सो दिस इज इंश्योरेंस, राइट? अच्छा, रियल एस्टेट. रियल एस्टेट एक ऐसी क्लास है विच रिक्वायर्स ह्यूज ब्लॉक, है ना. अब जैसे मान लीजिए अपन यहां पर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, बात करते हैं लेट्स से वंशिका की. वंशिका बहुत इन्फ्लुएंस हो गई हरीश सर से, बहुत ही इंस्पायर्ड है कि आदमी हो तो हरीश सर जैसा, मेरा मर्द भी हो तो हरीश सर जैसा, मतलब आएगा तो ऐसा ही चाहेगा. तो बड़ी कन्विंस्ड है ये कि पैसा अगर लगाना चाहिए तो रियल एस्टेट में लगाना चाहिए. अब वंशिका गई जिम में कुछ रुपए लेके, और एक ब्रोकर के पास गई, रियल एस्टेट ब्रोकर के पास गई, और उसको बोला कि भैया भैया मुझे ना प्रॉपर्टी खरीदना है. तो जो ब्रोकर था उसने बोला ओके, आई विल गेट यू द प्रॉपर्टी, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट. तो वंशिका ने बोला कि व्हाट एवर आई हैव आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग. तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सुंदर सा फ्लैट बता दूं. मैम आज ही मेरे पास आया, बहुत जबरदस्त फ्लैट है, अगर आप उसमें रहोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अगर आप नहीं भी रहोगे, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो उसको आपका अच्छा रेंटल मिलेगा. तो इसने एक बहुत सुंदर सा फ्लैट दिखाया, एक 2 करोड़ रुपए का बहुत ही सुंदर सा अपार्टमेंट था उसने दिखाया कि ये. वंशिका बोली कि बहुत ही बहुत बहुत ही बढ़िया फ्लैट है भैया, ये तो मुझे खरीदना है. तो ब्रोकर ने बोला कि ठीक है, मैं आपको डील करवा देता हूँ. और वंशिका जाती है सेलर के पास, जाती है, दोनों तीनों सामने बैठे, इधर ब्रोकर बैठा है, इधर सेलर बैठा है, वंशिका बैठी हुई है. और सेलर ने बोला 2 करोड़ रुपए. तो वंशिका ने बोला कि नहीं नहीं इतने तो वंशिका बोलती नहीं नहीं लेकिन इतने तो मेरे पास अभी नहीं है. तो यहाँ पर उसने बोला कि ठीक है, आप बताओ आपके पास कितने. तो वंशिका ने अपना वॉलेट खोला और बोलती अभी तो मेरे पास 2,000 रुपए है, बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी. तब मुझे एक बात बताओ, 2,000 रुपए लेकर ये 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने चल गई, अब वहां पे 2 टाइल भी नहीं आएगी उसकी, है ना. जितना सरफेस एरिया उसको खड़े होने के लिए लगता है, वो 1x1 की 2 टाइल भी नहीं खरीद पाएगी 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 2,000 रुपए लेकर के, राइट. बोलने का पर्पज क्या है, रियल एस्टेट इन्वॉल्व्स बिग चंक. रियल एस्टेट इन्वॉल्व्स बिग चंक, राइट. मतलब जब भी आप उसमें पैसा लगाओगे, यू हैव टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ इट
इन रियल एस्टेट, अगर आप वो रियल एस्टेट के एक्सपोजर चाहते हो, उसके अगर आप रिटर्न चाहते हो, राइट। सो यहां फिर वो छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं चलते। अच्छा, इसका एक सब्सटीट्यूट आया विच केम इन द फॉर्म ऑफ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, नॉट द राइट टाइम नाउ, मतलब पहले दिन मैं रीट के बारे में पढ़ा तो तुम भाग जाओगे, कल एडमिशन पक्का नहीं लोगे, सो नॉट द राइट टाइम। बट या ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लास आ गई, जिसमें विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑल्सो, राइट, विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑल्सो आई कैन इन्वेस्ट मनी इन दिस, राइट, मतलब मैं रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकता हूं। योर फीमेल वॉइस इज साउंडिंग लाइक मनमोहन सिंह जी। ए भाई, तू मेरे को देश बाहर कराएगा क्या? ऐसी बातें मत कर। 2 करोड़ के लिए चीकू सर जैसा दूल्हा चाहिए। अरे अब तो छोड़ दे रे, मतलब निपटने वाला है 5 तारीख। ओ शिट, आज से एग्जैक्ट 1 महीना भाई की शादी है, मतलब इतनी चूड़ियों की खनकार, ओ माई गॉड। मेरे को बताना किस किस को चूड़ियां डिलीवर करनी है, अभी आपकी बुक्स भेजी रहना तो साथ में चूड़ियां भी भेज देंगे, काम आएगी तोड़ने के। हाँ जी, सो दैट्स रियल एस्टेट। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू दीज 3 इन्वेस्टमेंट्स, है ना। मैं पहले शेयर्स के बारे में हल्की सी बात करता हूँ, फिर आप म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है बस मेरे को इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करना था, है ना। सी, पहले दिन मैं आपको बिल्कुल कोई हाई फंडू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा NSDL, CDSL, डिपॉजिटरी, T+2 डेज में सेटलमेंट होते हैं, डे ट्रेडिंग होती है, फिर उसके बाद सेंसेक्स निफ्टी के भाव बता दिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है हाई फंडू हो जाए। विल टॉक अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी टुमारो, डू नॉट मिस दैट सेशन, है ना, कि सेंसेक्स क्यों बढ़ता गिरता है, कल हम लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, डोंट मिस दैट। बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जानना, सुनना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शेयर्स। अच्छा, 1 क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट रियली डू अवे विथ इज शेयर्स। नाउ जैसे आप जब से क्रिप्टो का, 1 मिनट आप थोड़ा साइड में रखना, जब आप क्रिप्टो से कंपेयर करते हो ना तो लोग इक्विटी की वैल्यू भूल जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैंने सुना है, एक को मैं पर्सनली जानता हूं, हु बॉट द शेयर्स ऑफ सम कंपनी वे बैक, है मतलब उसने विप्रो के शेयर्स खरीदे थे, मतलब उसके पिताजी ने खरीदे थे एक्चुअली में, जब विप्रो का पब्लिक इशू आया। भारतीय एयरटेल, सेम स्टोरी हैपेंड, एयरटेल आपका फोन, हेलो हेलो, रिलायंस सेम स्टोरीज, बजाज ऑटो सेम स्टोरीज, राइट। तो ये अब क्या बोलते हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि इफ़ समवन इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन द पब्लिक इशू ऑफ रिलायंस, जब उसका पब्लिक इशू आया था उस वक्त किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाए तो उसकी आज की वैल्यू 500-550 करोड़ है। कैन यू कंपेयर दिस? 10,000 रुपये की वैल्यू आज 500-550 करोड़ रुपए की है, राइट। ये मैं आपको 2-1 साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी नहीं बता पाऊंगा मुझे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बट बढ़ी होगी डेफिनेटली। 10,000 रुपए की वैल्यू 550 करोड़ हो गए, राइट। तो ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज आप क्रिप्टो की बात मत करना, क्रिप्टो मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, है ना। मैं क्रिप्टो के लिए आपका एक अलग सेशन रखवाऊंगा, दिस फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज डीपली इन टू क्रिप्टो, ही वाज टेलिंग मी अभी लास्ट वीक ओनली कि मैं भैया, मैं उसको बोला मिला यार मेरा नया बैच स्टार्ट होगा, वो सब सिक्योरिटीज वाले हैं तो उनको और ज्यादा मजा आएगा जब तू इन सब चीजों के बारे में बताएगा। तो सो दैट्स द काइंड ऑफ रिटर्न्स पीपल हैव मेड। अच्छा, एट द सेम टाइम आई नो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो हु वेंट बैंकक्रप्ट विद इक्विटी। सो यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इक्विटी कितनी, 10-12 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है, राइट। अब वो 10-12 हज़ार कंपनीज में से विच कंपनी इज एक्चुअली राइट फॉर यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब मैंने पहला अपना स्टॉक खरीदा था, दैट वॉज वे बैक इन 2006, तो इट्स बीन 15 ईयर्स सिंस आई एम इन्वेस्टिंग। और शुरू में ना मैं कौन सी स्क्रिप्ट खरीदता था, सट्टे वाली, जिसमें बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं, ऊपर नीचे होता है वो, मतलब जाए तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो वो उस तरीके के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में करता था। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड टू गेन सम विजडम आउट ऑफ इट, मुझे समझ में आया कि ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स एकदम स्टूपिड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सो यू शुड पिक अप दोज कंपनीज विच आर वेरी फंडामेंटली ड्रिवन एंड रियली रियली गुड इन लॉन्ग टर्म, एंड आई स्टार्टेड पिकिंग दोज इक्विटीज। नाउ अब मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है, टॉप 50 स्टॉक्स आई डोंट गो आफ्टर दैट, मतलब जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसी में मैं इन्वेस्ट करता हूं, उसके अलावा मैं 51st कंपनी उठाता भी नहीं हूं, अनलेस देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉल कि यार ये कंपनी खरीद ले, 3 महीने 6 महीने के बाद बेच देना, अदरवाइज आई डोंट इन्वेस्ट एट ऑल। टॉप 50 कंपनीज एंड टॉप 50 कंपनीज आर गुड। अच्छा, आप TCS की बात करना, आप HDFC बैंक की बात करना, आप L&T की बात करना, ये इतनी स्ट्रांग कंपनीज है ना, वो टू बिग टू फेल, मतलब ये वर्ड इन कंपनीज के लिए बना हुआ है। और आप ये सोचो ना, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 25-50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपए किसी एक कंपनी में, राइट।
जो उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, दे हैव 50-50, 60-60% इक्विटी इन द कंपनी, राइट? मतलब आज इन कंपनीज की वर्थ 10-10, 12-12, 15-15 लाख करोड़ है, 15 लाख करोड़, ये इनकी वर्थ है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1-1.5 लाख रुपए का है। तो आपके 1.5 लाख का लॉस है, सामने वाले इंसान का 15 लाख करोड़ का लॉस है, राइट? और इतनी गुडविल जो आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम कमाई है और बनाई है, टू बिग टू फेल, राइट? अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इक्विटी में रिस्क नहीं होता है, ऑब्वियसली 50-50 होता है, मतलब 50% चांस यू विल मेक मनी, 50% चांस यू लूज मनी। समवेयर आई रेड, इनफैक्ट एक सेशन में अटेंड करा था, उसमें जो स्पीकर थे ही सेड, इट वॉज टू माई सरप्राइज, हाउ मेनी पीपल मेक मनी इन इक्विटी, ही सेड इट इज 0.2%, मात्र 0.2% लोग इक्विटी में पैसा बनाते हैं और बाकी 99.8% दे लूज मनी, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच, राइट? और आई फेल्ट सो नाइस, मैं बोला कभी कभी माइनॉरिटी में रहना इतना अच्छा लगता है, आई बिलोंग टू दैट 0.2, मतलब आई हैव ऑलवेज मेड मनी, नॉट दैट ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स वर प्रॉफिटेबल, बट अगर मैंने 10 कंपनीज के शेयर्स खरीदे, 10 में से 7 प्रॉफिटेबल थी, 3 में लॉस हुआ मेरे को, है ना? तो ये अब यस बैंक मेरे पास है, सुजलॉन मेरे पास था, लैंको मेरे पास था, एचसीएल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी क्या नाम है इसका, IVRCL, NDTV, ये कुछ कंपनीज ऐसी थी जिसमें मुझे लॉस हुआ। तो मतलब इक्विटी में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है। सो जब वो लाइन आप पढ़ते हो ना, सुनते हो म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, राइट, बिफोर इन्वेस्टिंग। सो वो इट इज ट्रू, मतलब जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, ये हमेशा एक प्रूवन फैक्ट है कि वो रिस्क फैक्टर हमेशा आपके साथ जुड़ा ही रहेगा, राइट? सो इक्वल चांस दैट यू मे लूज योर मनी, राइट? सो है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू रियली हैव टू राइड अहेड ऑफ इन्फ्लेशन, I think one investment option without which you cannot do anything is equity exposure. मतलब equity में आपका investment होना ही चाहिए, इसका कोई exception है ही नहीं, right? So अब कैसे invest करना है, कहाँ invest करना है, क्यों invest करना है, वो सब मैं आपको over a period of time इस subject के साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, है ना? आगे देखते हैं, mutual fund and SIP. अच्छा, अब जैसे एक यहाँ पे एक particular class होगी लोगों की जो ये सोचते होंगे कि सर इक्विटी, चलो मान गए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बट कौन सी इक्विटी खरीदना हमको पता नहीं है। अच्छा, दूसरा, सर इक्विटी कितनी महंगी हो गई, सर आप किसी कंपनी का शेयर देखो, MRF देखो, सर 70-80,000 रुपीज का स्टॉक है, आप TCS देखो 3800 रुपीज का स्टॉक है, सर आप रिलायंस देखो 2400-2500 रुपीज का स्टॉक है, सर आप बजाज फाइनेंस देखो 7400 रुपीज का स्टॉक है, सर तो बहुत महंगे महंगे शेयर है सर, तो सर हमको नहीं पता कि इसमें से कौन सा शेयर खरीदना और बहुत महंगे लगते हैं हमको। अब हमको इन्वेस्ट भी करना है, पैसा भी हमारे पास कम है, हमको नॉलेज भी नहीं है, बट हमको रिटर्न्स भी चाहिए, राइट? अगर इस तरीके की आपकी समस्या प्रॉब्लम है तो म्यूचुअल फंड और SIP इज द सोल्यूशन। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से उनकी छोटी छोटी सेविंग्स गैदर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपए दिए, आपने वो 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड को दिए, ऐसे उसने हजारों इन्वेस्टर से 10,000 रुपए इकट्ठे किए, उसका एक बड़ा पूल बनाया और उस पूरे के पूरे पूल को, राइट, उसका एक बड़ा पूल बनाकर उस पूरे के पूरे पूल को उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? इस पूरे के पूरे पूल को उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड के लिए फायदा क्या हुआ, उसने इतना सारा पैसा 10,000 रुपए इकट्ठा किया, टोटल 1,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया और 1,000 करोड़ उसने अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं इस चीज में, उनका बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, और जो भी रिटर्न्स आते हैं वो अपने खर्चे, अपनी कॉस्ट, अपनी फीस माइनस करने के बाद सब इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बस ये अगर आपको सही नॉलेज नहीं है, आपको सही एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू कैन गिव योर मनी टू अ फंड, राइट, विच टिपिकली इज अ म्यूचुअल फंड। SIP, सर 10,000 रुपए भी नहीं मेरे पास एक साथ देने के लिए, मेरे पास आज 500 रुपए है और मेरे को हर महीने 500-500 रुपए देना है, राइट? मैं एक साथ 10,000 रुपए नहीं दे सकता, हर महीने 500-500 रुपए देना है। आई थिंक समवन वाज आस्किंग मी कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं SIP। तो आप SIP ले लो, SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, ये पूरे चैप्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड इज वन चैप्टर, SIP इज वन चैप्टर, आपके नोट्स में मैं बोल रहा हूं, आपकी बुक्स में शेयर्स तो पूरे सब्जेक्ट ही शेयर्स ही है, राइट? तो ये जितने टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चैप्टर है आपके नोट्स में, ठीक है? मतलब ये हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब चीजों का। SIP क्या करती है, वही पैसा आपसे टुकड़ों टुकड़ों में मंगवाती है, राइट? हर महीने आपने 500-500 रुपए की SIP ले ली, उसका फायदा क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 5 साल के बाद देखोगे ना, आपका एक सिग्निफिकेंट डिसेंट इन्वेस्टमेंट, आपने वो 500-500 रुपए हर महीने देकर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट बना लिया होगा, दैट इज SIP। डेट कम आया तो चलेगा, लेकिन कन्फर्म चाहिए। इक्विटी में रिस्क होती है ना,
हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए। डेट में आपको ऐसे 8%, 9%, 10% टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं, बट कंफर्म मिलते हैं, राइट। सो इफ यू आर हैप्पी विद दिस, इन्वेस्ट इन डेट। इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब आई हैव नेवर टेकन एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर इन डेट, सो खैर मैं बहुत ज़्यादा डेट के बारे में बात नहीं करता और मुझे बहुत पसंद भी नहीं है और थोड़ा सा बोरिंग है। जहाँ पे चीज़ें फिक्स हो जाती है ना लाइफ में, उसमें वो जीवन का स्पाइस खत्म हो जाता है। तो अपना तो डेट का कभी रहा ही नहीं है, बट ऑफकोर्स ये भी एक चैप्टर है आपके, इसमें हम लोग डेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सो यार आज पहला लेक्चर था, आज आई थिंक वी आर अप विथ आवर टाइम ऑल्सो, है ना। सो आज का जो मेरा पर्सपेक्टिव था, बस मुझे यही आपको बताना था थोड़ा बहुत कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कल हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स निफ्टी, बेरिश और बुलिश मार्केट के बारे में। कल मैं आपको, आज वैसे मैंने आज भी आपके लिए स्क्रीन खोल के रखी थी, अगर आप देखोगे ना तो ये देखो मैंने सब सेंसेक्स निफ्टी ये सब सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखी थी। आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर पाए, बट टुमारो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो डू नॉट मिस टुमारो सेशन, कल आपको बहुत मजा आएगा। सेंसेक्स 59,000 क्यों है, सेंसेक्स बढ़ता कैसे गिरता कैसे, ये सब चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप टुडे सेशन वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। जो भी मैंने पढ़ाया, जो मैंने थोड़ा बहुत कन्वे करने की आपको कोशिश की, वो सब आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स कैच अप टुमारो वंस अगेन एंड वील टेक फोर्थ आर प्रेजेंट डिस्कशन। या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आपका सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा 10:45, आई विल सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय। हाँ जी।